स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग के अंदर। हम जो है अभी गुजरात बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, गुजरात में एंट्री हमने ले ली है। गुजरात फर्स्ट इम्प्रेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए गुजरात के अंदर मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन। ये जगह जो है गब्बर है, गुजरात का प्रसिद्ध स्थल है ये। इसमें माता कालिका का मंदिर है ऊपर और गब्बर पॉइंट है, यहाँ पे रोपवे भी लगा हुआ है। तो चलिए चलते हैं, गुजरात का पहला दिन है, काफी एक्साइटेड हूँ गुजरात घूमने के लिए। तो ये पूरा गुजरात का कुछ व्यू ऐसे नजर आ रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं अभी कर रहा हूँ राजस्थान से गुजरात की यात्रा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले सारे ब्लॉग आपको मैं दिखा पाऊं। ये कुछ जो है एंट्रेंस गेट है गब्बर का और रोपवे लगे हुए हैं। आप आराम से जो है रोपवे में बैठकर जा सकते हैं। रोपवे का चार्ज जो है 170 रुपीज है यहाँ का। और ये सीढ़ियाँ है, इन सीढ़ियों से आप ऊपर चढ़ सकते हैं। हम कम से कम 40 से 50 लोग अभी यात्रा कर रहे हैं। आधे लोगों ने जो है रोपवे में जाना प्रेफरेंस किया और हमने जो है पैदल। तो हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग हैं, ये भी पैदल चलने के लिए काफी एक्साइटेड थे तो हम पैदल चलने के लिए आ गए। एक पूरा सा पहाड़ है बड़ा सा, इसके ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ पहला दिन है मेरा गुजरात के अंदर और ये देख लीजिए ऊपर एक बड़ा सा पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर ये जो है गब्बर मंदिर बना हुआ है। हालांकि मैं पहले यहाँ आया हूँ लेकिन काफी छोटा था तब आया था। गर्मी से हालतें भी खराब हो रही है, राजस्थान से ज्यादा गुजरात में गर्मी ज्यादा है ऐसा लग रहा है। और ये बंदर आ रहा है, आप तो जो जय माता जी, जय माता जी। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। सो गाइस ऑलमोस्ट जो है मैंने गब्बर की चढ़ाई कंप्लीट कर ली है, थोड़ा सा और है। लेकिन एक खास बात मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, सामने आप वहाँ देख लीजिए अहमदाबाद का प्रसिद्ध अंबा माता मंदिर, अंबाजी सोने का मंदिर जो है सामने आपको चमकता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद में हम जो है वहीं पर जाने वाले हैं, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। Yeah.
गाइस ऑलमोस्ट अभी मैं हूँ गब्बर के ऊपर और ये देख लीजिए कुछ ऐसा व्यू नजर आता है पूरा। ये पूरा ऊपर का व्यू है। तो गाइस ऑलमोस्ट जो है गब्बर के दर्शन मैंने कंप्लीट कर लिए और फिलहाल हम नीचे उतर हैं। ये रोपवे का कुछ नज़ारा मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। तो सामने आप यहाँ पर जाकर जो है रोपवे में बैठ सकते हैं। ये सारे लोग जो है पैदल उतर हैं। चढ़ाई काफ़ी मुश्किल है लेकिन जो पैदल जो है आप आसानी से उतर सकते हो।